नमस्कार दोस्तों, एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यह है आपका एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक केबल टावर है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा यहाँ एक भवन बना लीजिए। और कह रहा है कि भवन शिखर का उन्नयन कोण एक केबल टावर के उन्नयन केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर का, तो एक केबल टावर बना लीजिए, केबल टावर का ओनियन कोण 60 डिग्री है। तो ये ओनियन कोण जो है केबल टावर का 60 डिग्री बना लीजिए यहाँ से। ठीक, तो हो गया 60 डिग्री। ठीक, इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, यानी इसी टावर का पाद ये है 45 डिग्री। क्या है ओनियन कोण है, तो इधर बनेगा, तो इसी के एकांतर यहाँ भी बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक, अब आपका फिगर रेडी हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी डी ई। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, ये त्रिभुज लेते हैं हम लोग, त्रिभुज समकोण, त्रिभुज समकोण त्रिभुज डी ए बी में, डी ए बी में टेन टेन 45 डिग्री बराबर, टेन 45 डिग्री बराबर यह लंब हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा ए बी, टेन 45 बराबर क्या हो गया लंब बटे आधार, तो 7/AB। टेन 45 में इसका मान रख दीजिए 1/7/AB। ठीक है, तो ए बी को इधर कर लीजिए, तो ए बी बराबर हो जाएगा 7, ए बी का मान हो गया 7। ठीक, अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज समकोण, त्रिभुज समकोण, त्रिभुज समकोण, त्रिभुज ये डी सी ई, डी सी ई, डी सी ई, सॉरी चाहे डी सी ई ले लेंगे, चाहे डी ई सी ले लीजिए। ठीक, समकोण त्रिभुज डी ई सी में, समकोण त्रिभुज डी ई सी में टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो टेन 60 ये देखिए, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक, तो लंब कितना हो जाएगा ई सी, अब बटे आधार कितना हो जाएगा डी सी। ठीक, अब देखिए ये जो है ए बी का मान 7 आया है ना, तो ये 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगा। ठीक, तो डी सी का मान हो जाएगा 7, यानी कि ई सी बटे डी सी बराबर हो जाएगा 7। ठीक, अब टेन 60 बराबर, टेन 60 अंश का मान ले लीजिए, तो टेन 60 अंश का मान क्या होता है अंडर रूट 3, 3 बराबर ई सी बटे 7, तो केवल ई सी बराबर इसको इधर ला दीजिए, तो 7 अंडर रूट 3 बराबर ई सी। ठीक है, ई सी हो गया, अब ई सी की वैल्यू निकल गई अंडर रूट 7 अंडर रूट 3, और ये मान लीजिए 7 है, तो ये एकदम 7 होगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। ठीक, तो हो गया 7।
तो अब टावर यही है, ये टावर है और ये मकान है। टावर की टोटल ऊंचाई पूछ रहा है, तो टावर की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर ई बी, ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ई बी बराबर हो जाएगा बी सी प्लस ई सी, ठीक। बी सी का मान है 7 प्लस ई सी का मान है 7√3 बराबर हो जाएगा 7 प्लस, अब 7 कॉमन ले लीजिए तो 7 कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस √3, ठीक। या इसी बात को लिख सकते हैं 7√3 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए। इस पे जो है हाई स्कूल के सभी मैथ और साइंस इंग्लिश पढ़ाए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।